नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ अफगानिस्तान के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हम सभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है या उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है पूरी तरह से तालिबान, क्योंकि देखिए पूरी तरह से अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर कर लिया है या अपने कब्जे में कर लिया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर तालिबानी शासन होता है तो वो उनकी पूरी कम्युनिटी को ख़त्म कर देगा या ये कम्युनिटी अफगानिस्तान के अंदर अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हजारास कम्युनिटी की। आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि जो हजारास कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना है कि वो तालिबान के शासन के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है या उनका कहना है कि वो इस देश में अब रहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पर हजारास इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो अपनी कंट्री को ही छोड़ना चाहते हैं? तो गाइस, आज के वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले ही पूरे आपके अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर कर लिया, जिसकी तस्वीरें हमने इंटरनेट पे या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा देखी हैं, जिसमें कई बार हमने देखा कि प्लेन के ऊपर चढ़ के उसके आतंकवादियों ने लोगों के ऊपर फायरिंग करी, लोग भाग रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनमें ये ज़रूरी नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं सभी लोग परेशान हैं या वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते। बल्कि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की एक आपका कम्युनिटी है पास्तून। पास्तून कम्युनिटी अफगानिस्तान के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा रहती है, यानी कि 42% लोग यहाँ पे पास्तून हैं। पर लेकिन दोस्तों, वो पास्तून है पर लेकिन वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर तालिबानी शासन होना चाहिए, क्योंकि वो खुद को भी तालिबानी शासन से जोड़ते हैं। पर यहाँ पर पास्तून कम्युनिटी के साथ साथ कुछ और भी कम्युनिटीज़ हैं जो यहाँ पे ये चाहती हैं कि आपका तालिबानी शासन नहीं होना चाहिए। तो आज हम ऐसी ही एक कम्युनिटी की बात करेंगे, हम हजारास कम्युनिटी की बात करेंगे दोस्तों, जिनका कहना है कि अगर तालिबानी शासन रहता है तो वो यहाँ पर पूरी तरह से महफूज नहीं है या ये कह सकते हो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उसका क्या रीज़न है दोस्तों? देखिए, उसका मेन रीज़न जो है, देखिए जो आपका जो ये हजारास कम्युनिटीज़ है, इनके जो लीडर थे उनका नाम था अब्दुल अली मज़ारी। ठीक है, अब्दुल अली मज़ारी जी जो थे इनके एक प्रोमिनेंट लीडर थे, जिनको तालिबान ने 1995 में जिनकी हत्या कर दी थी, उन्हें गोली से क्या कर दिया था, उसने मार दिया था। ठीक है, तालिबान ने जो आपके हजारास के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं या ये कह सकते हो उनके गुरु हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं या ये कह सकते हो उनके भगवान हैं, तो उनके भगवान को 1995 में तालिबान ने पूरी तरह से मार दिया था। ठीक है, ये आपका एक एरिया है बच्चों, जहाँ पर आपका पूरी तरह से इस एरिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो हैं बामियांस, यानी कि बामियांस नाम का एक एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हजारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, हजारास कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में बामियान में रहते हैं, या ये कह सकते हैं ये जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं ये बामियान को ही अपना कैपिटल मानते हैं, ये काबुल को अपना कैपिटल नहीं मानते, बल्कि ये बामियान कम्युनिटी को ही अपना कैपिटल मानते हैं। इनका मानना है कि इनके जो आपका कह सकते हैं इनके जो गुरु या भगवान अल्लाह या जो भी इनके जो है अब्दुल अली मज़ारी, वो उन्होंने ही पूरी तरह से बामियान सिटी को डेवलप किया है, ये वो वहाँ के थे, इसीलिए इनके लिए पूरी तरह से ये एक रिलीजियस प्लेस की तरह काम करता है। ठीक है, पर यहाँ पर लोगों को इतनी पुरानी बात से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पर लेकिन जैसे ही तालिबान ने अभी अफगानिस्तान को कैप्चर किया, उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने सबसे पहले क्या किया, बामियान में एक मूर्ति थी जो कि आपका मजारी जी की थी। ठीक है, उसने सीधा, ये आप मूर्ति देख रहे हैं, वहाँ पर जाके इस मूर्ति को पूरी तरह से गिरा दिया। यहाँ पे आप ये गिरी हुई मूर्ति भी देख रहे हैं कि सबसे पहले अफगानिस्तान ने इस मूर्ति, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने इस मूर्ति को गिरा दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो कम्युनिटी थी, जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं हजारास कम्युनिटी के लोग, पूरी तरह से अपने आप में सोचने लग गए कि भाई इन्होंने हमारे धर्म गुरु को ही क्या कर दिया, गिरा दिया, इसीलिए वो अपने आप को इस समय पे दोस्तों पूरी तरह से आपका क्या समझ रहे हैं, इस तरह से वो पूरी तरह से अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पर तालिबान का मानना ये नहीं है, तालिबान का ये कहना है, तालिबान ने कहा कि वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आने वाले समय में यहाँ पर पीस का माहौल बनाएंगे
और हजारास कम्युनिटी को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। पर पिछले कुछ दिनों से हम लोग भी ये देख रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम भी ये देख पा रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें तालिबान ने बोली हैं, या फिर अभी तालिबान ने कुछ समय पहले स्टेटमेंट दी थी कि तालिबानी स्टेट जो बनने वाला है, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, यानी कि वर्किंग जो करती हैं, वो पूरी तरह से महफूज है या उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। पर लेकिन कुछ ही दिन के बाद पता चलता है, वहाँ की एंकर की न्यूज़ आपने सुनी होगी, पूरी तरह से वो हाईलाइट हुई कि एंकर को नौकरी छोड़ देनी पड़ी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि तालिबान का कहना कुछ और है और उसके कर्म कुछ और है। इसीलिए हजारा कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें भी ये लग रहा है कि अभी ये हमें पीस और सिक्योरिटी के वादे कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हमें भी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, हमारी कम्युनिटी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, यही एक कारण है कि उनके जो गुरुजी हैं या उनके जो लीडर हैं, उनकी मूर्ति को गिरा दिया गया, उसी वजह से यहाँ पर ये कम्युनिटी पूरी तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये जानते हैं कि ये हजारा कम्युनिटी होती कौन सी कम्युनिटी है। दोस्तों देखो, कई सारी कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम्स के दो कैटेगरी होते हैं, एक सिया मुस्लिम और एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम। जो तालिबान की साइड लोग हैं ना, वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, बल्कि ये जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं, ये सिया मुस्लिम के लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें लगता है कि सिया और सुन्नी मुस्लिम्स हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इनका मानना यही है कि अगर तालिबान आता है तो वो सिया मुस्लिम्स को वहाँ से पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये हजारास कम्युनिटी कहाँ से आई या इसका उद्गमन कहाँ से हुआ है? तो देखिए बच्चों, ये जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एथनिक और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कि आपका हजारा जात से बेसिकली बिलोंग करते हैं। इनका एक रीज़न है हजारा जात, ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है, ये अफगानिस्तान के बामियान जो आपका शहर है, ये बामियान शहर के अंदर ही आपका हजारा जात नाम की एक जगह पड़ती है। ज़्यादातर हजारास यहीं पर रहते हैं, ठीक है, और ये आपका जो है अफगानिस्तान का सेंट्रल एरिया है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अफगानिस्तान का कौन सा एरिया है, ये आपका अफगानिस्तान का सेंट्रल एरिया है जहाँ पर हजारास रहते हैं। और दोस्तों हजारास जो आए हैं, ये अभी के नहीं आए हुए हैं, हजारास अफगानिस्तान में 13वीं शताब्दी से रह रहे हैं। ये 13वीं शताब्दी के अंदर जब आपका चंगेज खान का शासन हुआ करता था, तो हजारास जो आप अपने पूर्वज मानते हैं, चंगेज खान को ही अपना पूर्वज मानते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं, ये चंगेज खान के ही पूर्वज, चंगेज खान के ही क्या है, वंशज के लोग हैं, उसी के वंश के लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि चंगेज खान जो था ना, उसके जितने भी डिसेंडर्स थे, ठीक है, जितने भी डिसेंडर्स थे वो सब सिया मुस्लिम्स में आते हैं, इसीलिए उनकी कभी भी सुन्नी मुस्लिम से बनी नहीं है। यही एक कारण है कि वो तालिबानी शासन नहीं चाहते, या वो खुद को उस राज्य में रखना नहीं चाहते जहाँ पर तालिबानी शासन हो। तो वेल, आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे मेरी पूरी बातें समझ आ गई होंगी। उम्मीद है कि मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, विद लॉट ऑफ लव एंड केयर, थैंक यू सो मच।